हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज, आज मौसम जो है ऐसा अजीब सा हो रखा है, ना ज्यादा खराब है ना अच्छा है, ऐसे ही अजीब सा हो रखा है। तो अभी मैं सो के उठी तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइज, आंखों में लग रही है धूप और मेरी हालत आप देख सकते हो। तो अभी नहाना धोना है, फ्रेश होना है। बुरी हालत हुई पड़ी है मेरी आजकल। ये है अंकुश जो फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार है, और ये है हमारे डिंपू जो ऑलवेज रेडी रहता है। चलो भाई, ये जो रेसलर है। डर रहे एक दूसरे से, ग्राउंड से बाहर हो गए तुम लोग। डिंपू डिंपू कैसे लग रहा है तेरे को? ठंडुई ये डर क्यों जाता है? डिंपू डरते हुए। अभी हम जा रहे हैं स्नोमैन बनाने, मैं और डिंपू, है ना डिंपू? तो गाइस, जो पिछले ब्लॉग का स्नोमैन था वो बहुत ही ज्यादा गंदा था, तो अभी हम आपको अच्छे वाला स्नोमैन बना के दिखाएंगे। गाइस, पहले हमने जो है स्नोमैन इधर बनाया था, तो हमने सोचा कहीं और बना लेते, और आप देख सकते हो डिंपू ने वो ही चक लिया। टिंपू कैसे बन रहा है? बढ़िया बन रहा है। हाउ इज माय स्नोमैन? अब मैं इसके बाद बना रही हूँ। ओह माय गॉड, ये स्नोमैन थोड़ा मोटा है ना, इसलिए इसके बाद में मोटे बनेंगे। मोटे बनेंगे। ओह नो, बन गया इसका बाजू। तो फाइनली गाइज, हमारा स्नोमैन हो चुका है रेडी। ये बनाया है मैंने और डिंपू ने। यार इसकी आंख हो गई, कुछ फट सी गई। अंकुश ने भी बनाया है, पर ये जबरदस्ती बोल रहा है कि मेरा नाम भी ले लो। ये बन गया हमारा स्नोमैन। वो इसकी आंख फट गई। चल कोई नहीं, थोड़ा बहुत है इसमें कमियां कुमियां को, चलो कोई बात नहीं। अब हम इसको सम्मानित करेंगे और मफलर और टोपी के साथ, और सम्मानित करने आ रहे हैं। मफलर पहनाएंगे हमारे डिंपू जी और टोपी पहनाएंगे अंकुश जी। रुक रुक जा भाई, अब डिंपू आ रहे हैं इसको सम्मानित करने, और ये शॉल के साथ। ओए तू बाजू मत निकालना इसका, आराम से, कान मत निकालियो। ओए ओए अच्छे से। जा यस, चल बैठ जा, मैं तेरा फोटो भी ले लेती हूँ। यार ऊपर ऊपर हो जाना। गाइज, आप देख सकते हो ये है सेम शक्ल, ये हमने वैसे अंकुश को ही बनाया है।
और आप देख सकते हो ये है हमारा रियल मैन और ये है हमारा स्नोमैन। और आप देख सकते हो जो ये वाला हाथ है इससे ये आप सबको जो है हाई कर रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, और ये जो अंगूठा है इसका, और ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मेरी वीडियो को लाइक करें। और गाइज आप देख सकते हो डिम्पू और जो स्नोमैन है आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या बातचीत कर रहे हैं पता नहीं। आप देख सकते हो ये रात की पार्टी करने की तैयारी की बात। आप देख सकते हो इसने बात करते करते इसको कान ही निकाल दिया। ओए कान लगा इसका फटफट कर। टिम्पू बताएगा इसके बारे में, चल बता। इसकी एज 8 साल है। इसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है, क्या पता मैं ही कर दूं इसकी मृत्यु। क्यों कब हो सकती है? नहीं 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 इसकी मृत्यु हो सकती शाम तक भी, परसों चौथे तक भी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ उसकी टांग किस तरह टूटी है। ये मेरे साथ रोड में झगड़ रहा था, मैंने इसको बैक किक मारी और टांग टूट गई दोनों। अच्छा फिर ये हॉस्पिटल लिया मंडी के लिए, मंडी से रेफर किया शिमला को। शिमला में थोड़ी इसकी ठीक होगी दर्द, फिर घर लाया। इसकी टांगे जो ऑपरेशन के दौरान दोनों काट गई, और फिर अब ऐसा ऐसा बैठा होता है सिर्फ हाथ में चाहता रहता बाबा की तरह। अच्छा और त्रियारी और ये भी अपने डांस के मूड में आया था जैसे हम आते। अच्छा तब जाके। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो हाथ की हड्डियाँ निकली है, और इसको मैंने अपना पालतू कुत्ता छोड़ा था उसने चबा दी इसकी हाथ। फिर इसके हाथ की हड्डियाँ दिखने लगी। अच्छा अच्छा इसका इलाज भी हो गया, फिर थोड़ी थोड़ी चमड़ी रह गई थी और डॉक्टर ने पर निकाल दी। अच्छा थोड़ी थोड़ी चमड़ी रह गई थी और डॉक्टर निकाल दी। अच्छा कैसे निकाली? खून की इसको बहुत आवश्यकता है। अच्छा इसका 1.3 है। 1.3 आज तो तेरे को क्या हो, तू भाग क्यों रहा है? कि कितना खून है इसको? 1.3 इसका है ओ नेगेटिव। अच्छा अच्छा ओ नेगेटिव। अच्छा ओ नेगेटिव है इसका ब्लड ग्रुप। अच्छा अच्छा वो किसके साथ मिलता है? तेरे साथ? मेरे साथ है। अच्छा अच्छा मिलता तो इसका खून मेरे साथ है, पर मैं इसको दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। अच्छा 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 दुश्मन है। अब तू मेरा दुश्मन है तू। इच यार ये क्या, तूने इसका नाक ही निकाल दिया। तो गाइज आप देख सकते हो इसने इसका नाक ही तोड़ दिया ये बोल के कि ये इसका दुश्मन है। क्या यार तू गंदा कहीं का। इसकी टोपी पर उतार रहा हूँ क्योंकि इसके बाल तो है नहीं, वो भी लड़ते लड़ते गंजा कर दिया था मैंने। क्या किया था तूने? गंजा। अच्छा कैसे गंजा किया था तूने? पीट कैसे मारे एक पंचायत पर। अच्छा अच्छा इसका कैडे की हड्डी भी रखी है तोड़ के। अच्छा अच्छा फिर मफलर भी पर निकाल देते, कान भी टूट गया। ये मेरे खड़ा भी टूट सकता मेरे को पिटने। अच्छा क्यों? क्योंकि मैंने इसकी जांघ वाली जूट तोड़ के रख दी है। अच्छा फिर साथ है। अच्छा और क्या बोलना चाहेगा? और क्या बोलना चाहेगा? तो गाइज अब हम अपने अपने घर जा रहे हैं क्योंकि ठंड चुके हैं बहुत। तो गाइज हम तीनों ने मिलके जो है स्नोमैन बनाया, और मैं पर डिम्पू की कुछ भी सबसे ज्यादा जो मेहनत है मेरी और डिम्पू की है। ये अंकुश जबरदस्ती बोल रहा है कि मेरा नाम ले लो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर आपको अच्छा लगा हो स्नोमैन वाला वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और डिम्पू की कॉमेडी के साथ आप एंजॉय करिए मेरा व्लॉग। तो बाय बाय टाटा।